नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। खुलेआम कराए जा रहे हैं नाबालिगों से कार्य, नहीं रहा प्रशासन का खौफ। बाल श्रमिक अधिनियम का खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। किताबों में ही सिमट कर रह गए नियम कानून। कभी श्रम विभाग की कार्रवाई किसी संस्था के ऊपर बाल श्रमिक से काम कराने नहीं लगे हैं अभी तक किसी पर आरोप, जिसके चलते बेखौफ होकर कम राशि में ही कराए जा रहे हैं नाबालिगों से कार्य। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के लुरमी दाऊ कापा धान खरीदी केंद्र का है, जहां कोरोना काल के दौरान जारी नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी विश्वनाथ साहू के द्वारा खुले में रखे धान को बोरी में भरने दर्जन भर छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को कम राशि देकर काम कराया जा रहा है कड़ी धूप में। वहीं इसको लेकर काम कर रहे एक नाबालिग बच्चे ने मासूमियत भरे अंदाज में बताया कि दो दिनों से वह काम पर आ रहा है और प्रतिदिन 15 से 20 बच्चे काम पर धान खरीदी केंद्र में आते हैं, जिन्हें प्रत्येक कट्टी में धान भरने के एवज में 2 रुपए के हिसाब से भुगतान दिया जा रहा है। क्या काम कर रहा था? मैं धान भराता हूँ। अच्छा, कतेक टाइम में भरा था? रोज आता था? 2 दिन हो गया रोज आता। कै रुपए देते? 2 रुपए बोरी। 2 रुपए बोरी? हाँ, बोरा में। एक बोरा में? हाँ, बोरी भाई के। हाँ, कौन देते? मोला कल चंदू ये देरी से सर। हाँ, 2 दिन हो गए तलाद। हाँ, कै जना था? 3 जन। और अभी कै जन काम करत लगभग? लेके मन लगभग 15-20 जन। धाने पर ना और का काम करते? धान पर बढ़ता। अच्छा, तुम लोग कैसे? हम दाऊ का पकड़े तो मास वास से नहीं दे काम करवाइए मन? नहीं जी। हैं? अच्छा, सैनिटाइजर लगा था? नहीं है। कहाँ है? वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले धान खरीदी केंद्र दाऊ कापा के प्रभारी विश्वनाथ साहू से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सभी बच्चे गांव से आकर मजदूरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं जिनके द्वारा धान भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि जितने भी बच्चे धान के खाली बोरी में धान भरने का कार्य कर रहे हैं उसका भुगतान उनके परिजनों को दिया जाता है। उसको अपने माता जी के सहयोग के लिए बताए। अच्छा, हाँ। कितने बच्चे होंगे लगभग? ये पता नहीं, बाकी अब अपने अपने लगभग कितने बच्चे होंगे अनुमानित? 20 बच्चे सुपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पास। नहीं, उन लोग सब इधर बाहर खेलने के लिए आए थे, मुसो उस वक्त के चक्कर में इन लोग अंदर आ गए पकड़ने। एक बच्चे का बाइट लिया है, वो बोल रहा है कि हम लोगों के यहाँ पर चंदू बुलाता है करके, और चंदू बुलाता है तो 2 रुपए पर बोरी वो भरने का दे रहे हैं करके। कितना? नहीं, ऐसा अपने हम उनके माता पिता को देते हैं पैसा 2 रुपया भरने के लिए। अब उसके साथ अब आ गए हैं बच्चे लोग, उन लोग भर रहे हैं, ये मैं नहीं। तो बच्चों को भी पैसा देते? वही धान खरीदी केंद्र के चौकीदार चंद्र कुमार साहू ने बताया कि गांव के बच्चे 2 पैसे कमाने के लालच में आकर धान भरने का काम पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं, जिन्हें धान खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा ना तो मास्क दिया गया है और ना ही सैनिटाइजर देने की बात कही गई। चौकीदार के टाइप काम करता हूँ मैं। कितने सालों से काम करा था? बस यही महीना, मतलब 2 महीना से हुआ है। 2 महीना? अभी छोटे छोटे लड़कन मन कम कम 20 जन से ऊपर काम करा थे। क्या काम कर रहा हूँ? मतलब आते हैं कि पैसा मिल जाए, मतलब जैसे कि उसके लिए। अच्छा, कितने दिन हो गए लड़का मन? बस 4 दिन हुए, ट्रक लगे 4 दिन हुए हैं। अच्छा, तो कतेक पैसा देता पर बोरी? मतलब 2 रुपये बोरी। 2 रुपये बोरी देता? तो अभी मास्क नहीं लगाए है ना सैनिटाइजर दे, तो मास्क को वितरण करे हो लड़का? मतलब नहीं दे हो? लॉकडाउन के नियम के पालन करा था यहाँ? यहाँ पे बता दे कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा जैसे कई संस्थानों पर बाल श्रमिक कानून अपराध होने की पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, लेकिन श्रम विभाग की उदासीनता के चलते बाल श्रमिकों से कार्य कराने का यह गौरव धंधा जोरों से फल फूल रहे हैं, फिर भी अधिकारी अंकुश लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।